अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में गोरक्षनाथ मंदिर में आयोजित योग शिविर में तीसरे दिन बौद्धिक कार्यशाला विषय प्राणायाम पर मुख्य अतिथि योग शिक्षक डॉक्टर राजशेखर यादव ने कहा कि आज का जीवन भौतिकता से ग्रस्त है। इस स्थिति में यौगिक क्रियाओं में प्राणायाम का नित अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि आज का वातावरण श्वास प्रश्वास को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए आवश्यक है कि प्राणायाम की विद्या उदात अनुदात स्वरित अर्थात रेचक कुम्भक पूरक का अभ्यास करने से दीर्घ जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मुख्य वक्ता योगाचार्य डॉक्टर जयंत नाथ ने कहा कि आज योग को विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। योग जीवन का चैतन्य मार्ग है जो अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक विविधता व निवारण करता है, मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, रंगनाथ त्रिपाठी, ब्रजेश मिश्र, कराधर पौड़ियाल, पुरुषोत्तम चौबे, विनय गौतम, उमाशंकर प्रसाद, करनाल से योगी महावीरनाथ, योग पर शिशुगढ़ संस्कृत विद्यालय के छात्र इत्यादि उपस्थित रहे।